Hello dear student, good morning. This video is for class 12. ये जो आज आप लोगों को मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से करके भेज रहा हूँ, क्योंकि स्कूल जाना नहीं हुआ आज लॉकडाउन की वजह से, तो बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है. फिर भी आप लोगों को इतना ज़रूरत नहीं पड़ता EVS में बोर्ड का. यहाँ हम समझा रहे थे आप लोगों को यूट्रोफिकेशन, जो हमने पहले आप लोगों को पढ़ा था कि क्या है यूट्रोफिकेशन, फिर उसके कॉजेस इफ़ेक्ट यूट्रोफिकेशन के. फिर हम आप लोगों को जो कंट्रोल सिस्टम था यूट्रोफिकेशन में, दो कंट्रोलिंग सिस्टम है, एक है केमिकल अप्रोच, दूसरा है बायोलॉजिकल अप्रोच. केमिकल अप्रोच में हम बहुत सारे ऐसे अलगाए को रिमूव कर सकता है, ख़ासकर वाटर बॉडी से, जिनकी वजह से वहाँ पर अलगाए ब्लूम ज़्यादा ना हो, ठीक है, वो केमिकल अप्रोच हो सकता है. ठीक है, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल अप्रोच में अलगाई की सेल को किल करने के लिए दूसरे साइनोफेजिस बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोफाइटिक बैक्टीरियाज, जिसकी वजह से अलगाई की सेल को मारा जा सकता है. ये बायोलॉजिकल अप्रोच. आप लोगों को दो अप्रोचेस कंट्रोलिंग अप्रोचेस हैं, वन इज़ केमिकल अप्रोच, दूसरा इज बायोलॉजिकल अप्रोच. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों को, बायो मैग्नीफिकेशन पढ़ने जा रहा है. ठीक है, सो आप लोगों को बायो मैग्नीफिकेशन का ब्रीफ आइडिया मैंने, जब हम इफ़ेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन पढ़ रहे थे या इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे, उसमें आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि बायो मैग्नीफिकेशन क्या है. ठीक है, बायो मैग्नीफिकेशन वो है कि सडनली इंक्रीजिंग ऑफ कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर ज़्यादा टॉक्सिसिटी भरा हो, वो एक ट्रॉपिक लेवल यानी छोटे स्तर पे एक छोटा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो, वो उसको इंटेक करता है और बाद में उसी से एक फूड चेन बनकर चला जाता है, एक फूड चेन के तौर पर चला जाता है. तो इसीलिए इसको हमने बायो मैग्नीफिकेशन बोला, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से चलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आप लोगों को उस दिन भी दिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा अगर ऑर्गेनिज्म कुछ फूड को इंटेक करता है, टॉक्सिसिटी एलिमेंट को इंटेक करता है, तो वही छोटा ऑर्गेनिज़म को दूसरे वाला ऑर्गेनिज़म जो उसके ट्रॉपिक लेवल से बड़ा हो, वो ऑर्गेनिज़म उस छोटे ऑर्गेनिज़म को खा लेता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी वाले जितने सारे कंपोनेंट उसके अंदर है कंटामिनेटेड, वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक बढ़ जाता है. यानी पहले वहाँ पर 0.1 में होता था, तो दूसरे में कितना चला जाता है, तो 1 के हिसाब से चला जाता है, या वहाँ पहले वाले में 0.01 होता था तो दूसरे वाले में 0.1 चला जाता है. इसी के हिसाब से 1, 2, 3 ट्रॉपिक लेवल तक वो जाने के बाद हम तक भी पहुँच पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली ख़ासकर जो टॉक्सिक एलिमेंट वाटर में ज़्यादा होते हैं, ख़ासकर जब वाटर में फ़िश या कोई अर्थवॉर्म या प्लांटेशन अगर क्या करेंगे, उस टॉक्सिक एलिमेंट को इंटेक करेंगे, तो कोई भी अर्थवॉर्म, तो वो फ़िश, वो जो फ़िश है, हम ख़ासकर ह्यूमन उसी चीज़ को इंटेक करता है, या छोटे फ़िश बड़े फ़िश को इंटेक करता है, फिर बड़े फ़िश को दूसरे फ़िश इंटेक करता है, फिर उस फ़िश को हम तक पहुँचाते हैं, तो वो टॉक्सिसिटी एलिमेंट जो है, टॉक्सिक एलिमेंट जो है, वो बढ़ते जा रहे थे उसकी क्वांटिटी. ठीक है, लास्ट तक हम तक भी पहुंच पाते हैं. सो ये है बायो मैग्नीफिकेशन, यानी बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहा जाता है, विच मीन द इंक्रीज़ ऑफ कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस, जिसका मतलब है कि कोई कंटामिनेटेड सब्सटेंस इंक्रीज़ हो जाता है, या टॉक्सिक केमिकल्स बोलो, ख़ास कर दैट टेक प्लेस इन द फूड चेन, और फूड चेन की तरह वो एक काम कराता है. ठीक है, वो ख़ासकर इंटॉक्सिकेटेड या कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में होते हैं मोस्टली, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ख़ासकर द कंटामिनेटेड इंक्लूडिंग जैसे कि हैवी मेटल्स हो सकता है, मरकरी हो, एर्सेनिक हो, पेस्टिसाइड्स हो, कोई भी पॉलीक्लोराइटेड बाईफिनाइल्स हो, DDT हो, ये सारे कंपाउंड है जो ख़ासकर विच आर देन टेकन बाई द ऑर्गेनिज़म, बाद में इन्हीं कंटेन टॉक्सिक एलिमेंट को ऑर्गेनिज्म इंटेक करता है. ठीक है, फूड के तौर पर और कंज्यूम कर लेता है उसी एनवायरनमेंट में से, उसी
टॉक्सिक एलिमेंट को, टॉक्सिक कंपाउंड को, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक भी वो ख़ासकर टॉक्सिक या केमिकल एलिमेंट पहुंच जाता है, उसी को कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। ख़ासकर ये जो बायो मैग्नीफिकेशन मटेरियल बोलो या ये टॉक्सिक एलिमेंट जो कंटेन होता है वो मोस्टली हाउस होल्ड में होते हैं, हाउस होल्ड केमिकल्स में, या दूसरे हाउस होल्ड जितने सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, हाउस होल्ड की जितनी सारी यूजेबल हैं चीज़ें हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल केमिकल्स में होते हैं, ठीक है। फिर वही हार्मफुल सब्सटेंस बिल्डअप होता है उसी ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे है, उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर बिल्डअप होता है, जब वो ऑर्गेनिज्म हायर फूड चेन तक कंज्यूम करेगा, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक लेवल से तीसरा ट्रॉपिक लेवल, तो उसका जो टॉक्सिन है वो ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते जाता है ग्रेजुअली। जितना हायर फूड चेन होगा उतना वो टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक कंपाउंड बढ़ते जाता है, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम में, एंटायर फूड चेन में बढ़ते जाता है। तो ये होता है बायो मैग्नीफिकेशन। कॉजेज देखो, कॉजेज भी वही है बायो मैग्नीफिकेशन का, यानी कॉज ये कि भाई जितना हम टॉक्सिक केमिकल्स को या पोल्यूटेंट्स को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करेंगे, इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ेंगे, जैसे कि सीज के अंदर हो, समुंदर के अंदर, पानियों में, एयर में हो, ज़मीन पे हो, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक या वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारी इन्वायरमेंट में चला जाता है, उसकी कंसंट्रेशन, उस टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी जो वाटर बॉडी में पोल्यूटेंट बढ़ते जाता है, ठीक है। हमें ये नहीं लगता है कि हम इतना इंक्रीजिंगली टॉक्सिक एलिमेंट को छोड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, जब वो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट लेवल, डिफरेंट इन्वायरमेंट में बढ़ते जाता है, तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे स्तर पे वो ऑर्गेनिज़म उनको इनटेक कर लेता है फूड चेन के अंदर, ठीक है, बाद में उसी फूड चेन से होकर ह्यूमन तक भी पहुंच जाता है, उसी ट्रॉपिक लेवल को बायो मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। समझ आया? तो हम यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे आप लोगों को कि कॉजेस क्या है बायो मैग्नीफिकेशन का, क्या कॉजेस है बायो मैग्नीफिकेशन का। कॉजेस तो ये बोला आप लोगों को अभी, दूसरा ये कि आप लोगों को कुछ ऐसे कॉजेस जिनकी वजह से ख़ासकर बायो मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस चलता है, लाइक एग्रीकल्चर, मेन हर किसी में था एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट में हमने पढ़ के आया है, एग्रीकल्चर की पेस्टिसाइड्स हो, जो हमारे पास फंगिसाइड्स हो, हर्बल साइड्स हो, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो, दूसरे एग्रीकल्चर केमिकल्स हो जो हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है, वो ख़ासकर हम जब उन्हें सॉइल में डालता है वो रिवर के साथ मिल जाता है, लेक्स के साथ मिल जाता है, समुंदर तक भी पहुंच जाता है, ठीक है, रन ऑफ वाटर के थ्रू। वही प्राइमरी एग्रीकल्चर इनपुट पेस्टिसाइड्स हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, दूसरे चीज़ें हो, कुछ फर्टिलाइज़र हो या एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट हो, हेवी मेटल जैसे कि जिसके अंदर एर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, कॉपर, लीड, ऐसे सारे चीज़ें होता है जो खासकर क्या होता है, दी सब्सटेंस कॉजेस सीवियरली हेल्थ इम्पेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एक्वेटिक एनिमल्स। यही टॉक्सिक एलिमेंट खासकर एक्वेटिक एनिमल पे और ह्यूमन पे बाद में असर बहुत ज़्यादा डालता है, जैसे कि ख़ासकर एक्वेटिक लाइफ में फ़िश पे बहुत ज़्यादा, ख़ासकर इनडायरेक्टली, क्योंकि वो उसको इंजेस्ट करता है, उसको खा लेता है और अपने बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, तो उसको धीरे धीरे असर पड़ जाता है उन केमिकल्स की वजह से। एग्रीकल्चर एक मेन कॉजेस है ख़ासकर किसका, बायो मैग्नीफिकेशन का मेन कॉजेस है बायो मैग्नीफिकेशन को बढ़ोतरी देने का, ठीक है। तो दूसरे कॉजेज़ जो हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम समझा देंगे कि दूसरे कॉजेज़ क्या क्या हैं, तब तक के लिए आप ये पढ़ लें और समझ लें, ठीक है, थैंक यू।